ये क्या खबरें चल रही हैं आपके मुतल्लिक और आपके साहबजादे के मुतल्लिक? मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में 49 अरब रुपए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और एक खबर कल से गर्दिश कर रही है कि हुकूमती सर्कल्स के हवाले से कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में पता नहीं कितने करोड़ रुपया है और उनके बेटे जो हैं साहबजादे उनकी एक हाउसिंग स्कीम है, मौलाना का उनसे भी कोई कारोबारी लेन देन है। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो हमारा उनसे रबता हो गया और उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि वो ख़ुद आके हमें बताएंगे कि असलियत क्या है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये क्या खबरें चल रही हैं आपके मुतल्लिक और आपके साहबजादे के मुतल्लिक और इतनी वसूख से तमाम लोग कह रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? बशर भाई, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आपने मुझसे राबता किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। मेरा आपका भाइयों जैसा ताल्लुक है। ये पहले भी एक खबर चली थी कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में 49 अरब रुपए हैं, तो अब ये खबर मैंने आपके वसात से भी सुनी और नेओ वालों ने भी चलाई। तो ना तो मेरे बेटे की कोई हाउसिंग स्कीम है, दरवाज़ा खुला है जो आए तहकीक करे, और ना मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं। मैं सिर्फ अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। मेरे अकाउंट में लोग पैसे भेजते हैं ज़कात के, वो मैं आगे गरीबों में तकसीम कर देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर से भी खाते पीते घराने से हूँ, लेकिन ऐसे कभी करोड़ों रुपए कभी मेरे पास नहीं हुए। अल्लाह ताला ने एक अच्छा भरम बनाया हुआ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात आपने की हज़रत मौलाना साहब, आपने इतनी क्लैरिटी दे दी सबको। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं पैसे होना को बुराई नहीं है। सैयदना उस्मान गनी जो हैं, आज तक उनकी चलाई हुई ज़कात और खराज जो है वो सदका जारिया के तौर पे चल रही है, उसका हसूल जो है उसके ऊपर सवालिया निशान हो सकता है या उसके इस्तेमाल के ऊपर हो सकता है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप देख रहे हो मुबशर भाई, अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी भर कभी ऐसा मुश्तबे माल के करीब भी नहीं गया मैं। मुझे 52 साल हो गए हैं अल्लाह के रास्ते में चलते हुए, तो मैंने इस उम्र में आके ये काम करना होता तो मेरी 52 साल की मेहनत तो सारी ज़ीरो हो गई। मेरे मुंह में कभी गलत लुकमा नहीं गया, ना मैंने बच्चों को खिलाया है, ना कभी इस तरह अनफेयर मीन के ज़रिए से मैंने कोई पैसा बनाया है। मुझे हज़रत ये बताइएगा कि आपके जहाँ आपसे इश्क करने वाले जो हैं वो करोड़ों में हैं, लाखों में नहीं है, करोड़ों में हैं, तो ये आपके हासदीन में यकायक एकदम इजाफा क्यों शुरू हो गया है? कोई वैसे आपने ऐसी तो अच्छी बात की होगी जिस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तो हज़रत अली ने कहा है कि अगर आपके हासद ज़्यादा हो गए तो आपने को काम किया। ये असल में शोहरत अपने साथ ये चीज़ें लाती है, तो अल्लाह ने नेक नामी दी, उसका फजल है, एहसान है, और पूरी दुनिया में अल्लाह ने मुझसे बात करवाई और लोगों को, हज़ारों लोग ईमान लाए, गैर मुस्लिमों ने कलमे पढ़े, और मेरे मालिक का फजल है, 6 बर्रज़म में अल्लाह मेरी आवाज़ को पहुंचा रहा है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं कोई इस किस्म का काम कर सकता हूँ। बाकी हसद वालों की जुबान कौन बंद कर सकता है? सही बात है। तो अब आपका ये कहना है कि ना आपके साहबजादे की कोई हाउसिंग स्कीम है, ना आपके पास उस तरह की रकम है जिस तरह का जिक्र किया जा रहा है, और ये आपके यानी ना चाहने वाले जो हैं वो ये मनगढ़ंत खबर फैला रहे हैं। जी बिल्कुल 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 लुकमान भाई, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको क्या, मैं किसी, मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला जब से मैं इस रास्ते पे चला हूँ। अब मुझे ये बताइएगा कि पहले मुझे ये बताएं आपकी सेहत कैसी है, क्योंकि आपकी सेहत की बड़ी मुतज़ाद खबरें आती रही हैं बीच में, आप पूरी तरह सेहतयाब हो गए कि नहीं? जी अल्लाह का शुक्र है मैं रिकवर कर गया हूँ, लेकिन अभी आपसे पीछे हूँ। आपके तो 6 स्टैंड थे, मेरे अभी 3 हैं। मेरे 7 हैं।
एक और बढ़ गया। अब मेरे साथ हैं और आपके तीन हैं, लेकिन आपको तो देखें इलाज के लिए माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर भी मिल जाते हैं, मैंने देखा नर्सें भी अच्छी शक्ल वाली होती हैं वहाँ पे। मैं तो जाते हुए डरता हूँ अस्पताल सारे अपना जो है वो तो मेरा अपना भाई दिल का डॉक्टर है वो, यदि वो जान ही नहीं देता आपको किसी के पास। इस दफा तो मुझे कनाडा में हुआ हार्ट अटैक, वहीं मेरा सारा प्रोसीजर हुआ। आपको पता है हमने सारों ने बड़ी दुआएं की आपके लिए, आपकी सेहतियाबी, आपकी मोहब्बत है आपके में, हमारा एक और ताल्लुक भी है हज़रत लाहौरी वाला। बिल्कुल बेशक, और वो तो दीनी ताल्लुक है, रूहानी ताल्लुक है। तो और यह है कि बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सारी सूरत हाल है, अब क्या आपको हम किसी दिन रिक्वेस्ट करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इज्तमाही दुआ करें कोई, क्योंकि हमारे अमाल पतनी ऐसे हैं कि हमारी दुआओं का भी असर कम होता जा रहा है। जी इंशाल्लाह, दुआ तो मैं आपके सामने कोई फख्र नहीं कर रहा, मैं रोज़ाना 50 नफल पढ़ता हूँ पाकिस्तान के हालात के लिए कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क है, हमारी माँ है। मेरे तो पिछले 500 साल से सारे बुज़ुर्गों की कब्रें यहीं हैं और अल्लाह ताला इसकी बेहतरी करे। दुआ मेरे बस में सिर्फ दुआ है, वो मैं करता रहता हूँ। ये मुझे बताइएगा हज़रत मौलाना कि आजकल जो सूरत हाल है, आपको कुछ लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? अब ये गैब है लुकमान भाई, मुबशर भाई, ये गैब का इल्म अल्लाह को पता है। जो इस वक्त लम्हा गुजर रहा है उसमें हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बेहतरी करे। ठीक है मौलाना तारिक जमील साहब, एक दफ़ा फिर मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल वन गो में एक स्टेटमेंट लोगों को बता दें कि आपके मुतल्लिक जो खबरें हैं ये झूठ है और तजाद है। मेरे मोहतरम प्यारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ये मेरे बारे में मुख्तलिफ खबरें उड़ती रहती हैं, ये इनमें कोई सदाकत नहीं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे रबते में आने का और इस वजाहत का, और मुझे यकीन है कि जितने लोगों को तकलीफ़ और दिल आज़ारी हुई होगी वो खबर सुन के, उनको फ़ौरन तशफ़ी भी हो जाएगी, तसल्ली भी हो जाएगी उनके। इंशाअल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने जितनी स्ट्रेट और सीधे अल्फाज में वजाहत कर दी है, इसके बाद कोई और मुझे उनसे सवाल नहीं करना था, ना मुझे सोसाइटी का नाम पूछना था, ना कुछ और करना था मुझे। मैं तो इतबार करूँगा उनकी बात का, हर एक का अपना अपना कॉल ऑफ फेल होता है, और जो अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम तमाम अकाबरीन की इज़्ज़त करना सीखें, हर एक को हम गलत चीज़ के साथ ना जुड़ें। वाखर दावाना वन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।